वेलकम इन एसवी ऑनलाइन क्लासेस। तो अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था डाइजेस्टिव ह्यूमन सिस्टम, कौन कौन से ऑर्गन हैं पार्टिसिपेट करते हैं उसमें, कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं, उसके बाद भी प्रोसेस होता कैसे है, फिजियोलॉजी ऑफ फूड या डाइजेशन ऑफ फूड किस तरह से होता है। तो ये सबसे पहले अपने करते हैं कौन से प्रोसेस है। तो सबसे पहले होता है इंजेशन एंड मेस्टिकेशन। इंजेशन यानी भोजन को ग्रहण करना लेना, इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन। और मेस्टिकेशन होता है किसको छोटे छोटे टुकड़ों में अपने जो फूड लेते हैं वो कैसे होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, उसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, उसको बोलते हैं मेस्टिकेशन। फिर इसके बाद सेकंड स्टेप होता है डाइजेशन। तो डाइजेशन जो अपने जो डाइजेस्टिव जूस है उनके कारण होता है, एंजाइम्स के कारण होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इसमें जो डाइजेस्टिव जूस है वो सिक्रेट करती हैं। उसके बारे में पढ़ा था लीवर और सिलेवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, तो इनके द्वारा डाइजेशन पाचन होता है। फिर एब्जॉर्प्शन, तो जो डाइजेस्ट हो गया फूड तो जो न्यूट्रिएंट है फिर वो क्या होते हैं एब्जॉर्ब किए जाते हैं, अवशोषण होता है उनके द्वारा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है स्टेप डाइजेशन। तो फिर क्या है डाइजेशन, मतलब जो सेमी सॉलिड जो वेस्ट बच गया रेक्टम में जाके जो डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन हो गया, अवशोषण हो गया, उसके बाद जो सेमी सॉलिड वेस्ट बच जाता है जो, ठीक है, तो वो क्या काम होता है रेक्टम में जाके इकट्ठा होता है। तो रेक्टम के बाद फिर क्या एनस के द्वारा उसको बाहर निकाल दिया जाता है, उसको बोलते हैं इंजेक्शन यानी विसर्जन। तो ये प्रोसेस इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले इसमें इंजेक्शन, इंजेक्शन होता क्या है इनटेक ऑफ फूड बाय माउथ, भोजन के द्वारा सॉरी मुख के द्वारा भोजन को ग्रहण करना। इन बकल कैविटी टास्क ऑफ ट्रेंग एंड मिक्सिंग ऑफ फूड विद द सलाइवा इज परफॉर्मड। तो बकल कैविटी के अंदर मुख के अंदर टास्क जो काम होते हैं कौन से होते हैं, तो भोजन को चबाने का और मिक्सिंग का विद द सलाइवा लार। तो ये परफॉर्म होते हैं फंक्शन इसके अंदर अपने बकल कैविटी के द्वारा। म्यूकस ऑफ सलाइवा इज हेल्प टू एग्रीगेट्स विद ईच अदर। तो जो म्यूकस होता है जो सलाइवा में उसका काम, सलाइवा का आपने देखा था कैसे वाटर होता है सलाइवा के अंदर और क्या होता है म्यूकस होता है, ठीक है। इसके बारे में वाटर का काम क्या होता है रेड करना, भोजन को गीला करना, और म्यूकस का काम क्या होता है लुब्रिकेंट बनाना भोजन को कि वो एग्रीगेट यानी एक साथ रहे चिपक के भोजन। एंड फॉर्म बॉल्स, तो बॉल्स क्या है यानी कि भोजन क्या है म्यूकस के कारण क्या रहेगा इकट्ठा रहेगा, तो एक बॉल्स के कारण उसमें वो इकट्ठा रहेगा। फिर उसके बाद क्या है बॉल्स ट्रांसफर टू ऐसे प्रोसेस, तो जो बॉल्स बन जाए भोजन क्या होगा म्यूकस स्लाइवा मिक्स होके बॉल्स बन जाए तो क्या होगा बॉल्स ट्रांसफर टू द एसोफेगस सॉरी फारिंक्स, फारिंक्स में ट्रांसफर होगा, फारिंक्स के बाद फिर देन टू एसोफेगस फिर अपने ग्रास नाल के अंदर जाएगा एसोफेगस के अंदर एंड देन बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यानी क्रमानुचित गति के कारण ट्रांसफर टू द स्टमक, फिर उसके बाद किस में जाएगा स्टमक के अंदर जाएगा। तो ये था इंजेक्शन। फिर उसके बाद अपने पढ़ते हैं डाइजेशन के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट अपने क्या है डाइजेशन, इंजेक्शन अपने देखा, उसके बाद फिर सेकंड प्रोसेस होता है डाइजेशन पाचन। तो डाइजेशन इन माउथ बाय सलाइवा, तो डाइजेशन शुरू कहां से हो जाता है मुख के अंदर शुरू होता है, मुंह में से सलाइवा मुंह के अंदर क्या होता है सलाइवा सीक्रेट होता है, सलाइवा किसका डाइजेशन करती है स्टार्च का और माइक्रोब्स में आगे कन्वर्ट कर देती है। तो देखिए पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं जैसे स्टार्च हो गया या ग्लाइकोजन हो गया पॉलीसेकेराइड, और सलाइवा में क्या मौजूद होता है टाइलिन या अमाइलेज, अमाइलेज अमाइलेज क्या करता है स्मॉलर पॉलीसेकेराइड्स में कन्वर्ट कर देगा या माइक्रोब्स में बदल देगा जिसको स्टार्च को। और फिर ये तो डाइजेशन किसके अंदर हो गया माउथ के अंदर, फिर डाइजेशन इन स्टमक, तो पेट स्टमक यानी अमाशय के अंदर डाइजेशन कैसे होता है बाय गैस्ट्रिक ट्यूब्स, गैस्ट्रिक ट्यूब्स हैं उनके द्वारा डाइजेशन होता है अपने स्टमक के अंदर थ्रू मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन फर्दर चर्निंग ऑफ फूड एंड मिक्सिंग ऑफ गैस्ट्रिक जूस अकर। तो इसके अंदर क्या होता है चर्निंग ऑफ फूड एंड मिक्सिंग ऑफ जूस गैस्ट्रिक जूस उनका
का होता है, ठीक है, स्टमक के अंदर ये प्रोसेस है ना, इट नाउन है काइम। तो जो भोजन के चर्निंग और मिक्सिंग ऑफ गैस्ट्रिक जूस, तो वो मिलके फिर क्या बनता है, काइम बनता है। अगर ये डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज काइम, काइम के बारे में पूछे क्या है, कृपया मस्कुलर फ्रंट द चर्निंग ऑफ फूड एंड मिक्सिंग ऑफ गैस्ट्रिक जूस अकर्स, दैट्स कॉल्ड काइम। ये क्या कह रहा है, काइम। अब आप जानते हो गैस्ट्रिक जूस अपने जो स्टमक इसके अंदर कौन कौन से जूस हैं सेक्रेट होते हैं, एक तो होता है एचसीएल। एचसीएल का काम क्या होता है, जो कि अपने बैक्टीरिया हैं, ये अपने पास ही चुके हैं कि बैक्टीरिया जो खाने के अंदर अपने एंटर कर जाते हैं खाने के साथ, उन बैक्टीरिया को किल करना या उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करना, रोकना, ये एचसीएल का काम करता है। और क्या होता है, जो अपने फूड है उसको एसिडिक बनाना, ये काम होता है। और एक एंजाइम इसके अंदर सेक्रेट होता है पेप्सिन। पेप्सिन इसका प्रोटीन का डाइजेशन करता है, प्रोटीन को किसने आगे पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देगा। डाइजेशन ही कम्प्लीटली यहाँ नहीं होता, पार्शली होता है, अपने मुख में जो स्टार्च का होता है डाइजेशन, वो भी पार्शली हुआ था, पूरी तरह से नहीं हुआ था। पूरी तरह से डाइजेशन जाके किसमें होता है, आगे अपने स्मॉल इंटेस्टाइन उसके अंदर होता है। और फिर केसिन, केसिन किसके अंदर जो पाया जाता है, दूध के अंदर। और इसका कौन सा जो डेजिन एंजाइम है, इसका डाइजेशन करता है, पैराकेसिन में कन्वर्ट कर देता है। फिर इसके बाद अपने आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो उसके बाद अपने डाइजेशन में ड्यूडेनम, तो ड्यूडेनम आप जानते हैं जहां से स्टमक यू शेप या अपने सी शेप बोल सकते हैं, उस शेप लिए होता है ड्यूडेनम, जहां से क्या स्टमक स्टमक का जो नीचे वाला पार्ट है वो होता है, जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन वो जुड़ी होती है। तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा तो मैक्सिमम डाइजेशन होता है किसके अंदर होता है, ड्यूडेनम के अंदर होता है, ठीक है। और बाइल जूस सेक्रेटेड बाय लीवर, इसके अंदर जो बाइल जूस वो सेक्रेट किया जाता है लीवर के द्वारा, पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट किए जाते हैं पैनक्रियाज के द्वारा, ये ड्यूडेनम के अंदर होते हैं। तो ये ड्यूडेनम आप समझते हो कौन सा, जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक जुड़ा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ऊपर वाला पार्ट जो किससे जुड़ा होगा, स्टमक से। तो बाइल जूस सेक्रेट करता है, और बाइल जूस का काम क्या होता है, ये फैट उसके एमल्सिफिकेशन के काम आता है, फैट के एमल्सिफिकेशन यानी आप छोटे-छोटे टुकड़ों को डिवाइड करना। तो फैट को बाइल जूस क्या करता है, ग्लोबुल्स ऑफ फैट में बदल देता है या एमल्सिफाई कर देता है फैट का, ठीक है। यानी छोटे छोटे क्या होते हैं, अगर ये कोई ऑयल लिया उसके अंदर पानी डाला उसको क्या करेंगे, ऐसे अपने मिक्स करेंगे तो वो छोटे छोटे बूंदे अलग अलग हो जाती है, तो उसको बोलते हैं उनसे पाए। फिर और इसके अंदर क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट होते हैं पैनक्रियास ग्लैंड के द्वारा। तो इनका काम क्या होता है, प्रोटीन का उनका डाइजेशन करना। तो प्रोटीन पेप्टोन्स थे और प्रोटोन्स थे, ये इसमें जो कौन से होते हैं जूस सेक्रेट, काइमोट्रिप्सिन ट्रिप्सिन, ठीक है, काइमोट्रिप्सिन ट्रिप्सिन कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो ये एंजाइम्स के अंदर सेक्रेट होता है, ये क्या करते हैं, इनका जो प्रोटीन है इसको डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर अमाइलेज या कैलेज बोल देते हैं, स्टार्च का डाइजेशन करता है और माल्टोज में कन्वर्ट करता है, स्टार्च का अपने मुख के अंदर पार्शियली डाइजेशन हुआ था, पूरी तरह से नहीं होता। और जो ड्यूडेनम में फैट का एमल्सिफिकेशन हुआ था, तो एमल्सिफाइड फैट है वो लाइपेज एंजाइम उसको डाइग्लिसराइड में बदल देगा। तो ये थे डाइजेशन इन ड्यूडेनम। उसके बाद फिर अपने सॉरी डीएनए और आरएनए को भी अपने चेक प्लांट में पार्ट का प्लांट का पार्ट का या एनिमल, तो उसके अंदर हर एक के सेल के अंदर क्या होता है, डीएनए आरएनए होता है। और डीएनए आरएनए का डाइजेशन कौन करता है, न्यूक्लियस करता है, कौन सा न्यूक्लियस एंजाइम है वो करता है इनका डाइजेशन, और किस में बदल जाता है, न्यूक्लियोटाइड्स में बदल जाएगा। फिर उसके बाद आता है डाइजेशन इन जेजुलम, जेजुलम होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच वाला भाग, ये तो ऊपर वाला होगा जो स्टमक के साथ जुड़ा होगा, जेजुलम होता है बीच वाला पार्ट इन इंटेस्टाइनल जूस। तो इसके अंदर क्या है, इंटेस्टाइनल जूस है वो सेक्रेट होते हैं, हियर ऑल पार्शियली डाइजेस्टेड फूड आर कंप्लीटली डाइजेस्टेड। इसके अंदर जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है पीछे वाले भाग में पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता, डाइजेस्ट पूरी तरह से इसके अंदर आ गया होता है, ठीक है, और पूरी तरह से उसको क्या करता है, कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देता है। अब इसके बाद आगे देखिए, डाइजेशन इन जेजुलम अपने देह में उसमें कौन कौन सी जो रिएक्शन है वो होती है, तो माल्टोज
माल्टीज एंजाइम्स में सेक्रेट होता है, इसमें ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है माल्टोज को, और लैक्टोज लैक्टोज को लैक्टेज एंजाइम है वो किसने बदल देगा, ग्लूकोज में और ग्लाइकोज में, और सुक्रोज है इसको सुक्रेज एंजाइम है, सुक्रेज एंजाइम सेक्रेट होता है जंजीरों में, और वो किसमें ग्लूकोज को सॉरी सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल देगा। इस तरह डाई ग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड्स इनको लाइपेज एंजाइम में वो फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ये सारा अपने पहले पढ़ ही चुके हैं है ना। और न्यूक्लियोटाइड्स इसको न्यूक्लियोटाइडेज जो एंजाइम है वो शुगर और बेस में कन्वर्ट कर देगा, और डीपेप्टाइड्स इसको डाइपेप्टाइड्स एंजाइम है वो अमीनो एसिड में बदल देगा। तो ये सारा पहले एक बार पढ़ चुके हैं, और फिर उसके बाद देखिए इसके बाद आता है डाइजेशनिंग लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में और कोई किसी का अब्जॉर्प्शन नहीं होता, इसके अंदर सिर्फ जो अपने जो मिनरल है वाटर है इनका ही जो डाइजेशन होता है। तो देखिए डाइजेशनिंग लार्ज इंटेस्टाइन नो मेजर डाइजेशन, ज्यादा इसमें डाइजेशन नहीं होता, स्मॉल डाइजेशन होता है बाय बैक्टीरिया बैक्टीरिया के द्वारा जो यहां इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन होता क्या है, ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू ब्लड इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। तो जो न्यूट्रिएंट है उनका ट्रांसफर करना ब्लड के द्वारा सभी अपने बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना न्यूट्रिएंट को, तो वही क्या कहलाता है अपना एब्जॉर्प्शन कहलाता है। इंटेस्टाइन टू सॉरी ट्रांसफर ऑफ द न्यूट्रिएंट फ्रॉम इंटेस्टाइन टू ब्लड, ब्लड तक पहुंचाना ट्रांसफर करना जो न्यूट्रिएंट है वो कहलाता है एब्जॉर्प्शन। तो मेजर पोर्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब बाय जेजुनम किसका होता है, मेजर पोर्शन जो डाइजेस्टेड फूड जेजुनम के द्वारा होता है, फिर कहा जाता है ईएम में। और लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है एब्जॉर्ब वाटर मिनरल एंड ड्रग्स। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है वाटर मिनरल और ड्रग इनका डाइजेशन करती है, ठीक है। तो इसके अंदर या लार्ज इंटेस्टाइन में लिखोगे कि मेजर ये क्या करती है सिर्फ जो अपने मिनरल है वाटर है उनका डाइजेशन करती है। फिर इसके बाद आता है डाइजेशन और नेक्स्ट उसके बाद आता है नेक्स्ट उसके बाद डाइजेशन आता है। डाइजेशन मतलब जो अनडाइजेस्टेड अनअब्जॉर्ब फूड है वो कहां स्टोर होता है, रेक्टम के अंदर स्टोर होता है और फिर एनस के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। जो अनडाइजेस्टेड और अनअब्जॉर्ब फूड है उसको बाहर निकालने के लिए क्या कहलाता है डाइजेशन, डाइजेशन कहलाता है। फिर उसके बाद फिफ्थ आता है स्टेप क्या आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है जो अब्जॉर्ब फूड है जो अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट है उनका अपने बॉडी पार्ट्स तक पहुंचना, फिर बॉडी के द्वारा अपने उसको अलग अलग फंक्शंस के लिए अपने कह सकते हैं अलग अलग टास्क के लिए जो वो जो यूटिलाइज किया जाता है उसी को बोलते हैं अपने एसिमिलेशन। ब्लड ट्रांसफर ऑल अब्सॉर्ब्ड मटेरियल, तो ब्लड क्या करता है सारे जो अब्सॉर्ब मटेरियल है अवशोषित मटेरियल है पदार्थ उनको टू सेल ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, तो अलग अलग पार्ट्स की जो कोशिकाएं वहां तक पहुंचाता है ब्लड। ब्लड क्या करता है अब्सॉर्ब जितने भी न्यूट्रिएंट है उनको सभी पार्ट्स तक बॉडी के और उनकी सेल्स तक पहुंचाता है, वेयर दे यूटिलाइज फॉर डिफरेंट पर्पस, जहां उनका यूटिलाइज होता है अलग अलग पर्पस के लिए, यानी अलग अलग जो काम है उनके उस रूप से वो यूटिलाइज होते हैं। क्योंकि अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आज कंप्लीट हो गया। इसके बाद अपने नेक्स्ट वीडियो क्लास से शुरू करेंगे रेस्पिरेशन सिस्टम, रेस्पिरेशन सिस्टम श्वसन तंत्र, तो ये अपने शुरू करेंगे कल। रेस्पिरेशन सिस्टम कौन कौन से इसमें ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, किस तरह से ये डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ह्यूमन के अंदर, तो उसके पूरे के बारे में पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इनके अच्छे से वीडियो सॉरी अच्छे से इनके नोट्स तैयार कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।